आज पाएंगे पार्थियन कला। जो ईरानी और हेलेनिस्टिक शैली का मिश्रण है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पार्सियन कला। पार्थियन कला पार्थियन कला ईरानी और हेलेनिस्टिक पार्थियन कला ईरानी और हेलेनिस्टिक शैलियों का मिश्रण थी। पार्थियन साम्राज्य ईरानी और अन्य देशों में ईरानी और अन्य देशों में 247 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी में अस्तित्व में आया। उत्खनन में भी पार्थियन स्थानों की अक्सर अनदेखी की जाती थी। और यहाँ के लोगों से भी उसको अलग करना मुश्किल कार्य था। यही कारण है कि पार्थियन कला पर
शोध की स्थिति और ज्ञान की स्थिति अभी बहुत खराब है। सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जैसे कि इराक और जैसे कि आधुनिक इराक और हटरा आधुनिक इराक और हटरा में है, जहां पर अभी खुदाई से पार्थियन मूर्तिकला की सबसे बड़ी मात्रा प्राप्त हुई है। पार्थियन राजवंश की अवधि समाप्त होने के बाद भी यह शैली कुछ समय तक आसपास के क्षेत्रों में जारी रही, जिसके आंकड़े दर्शकों के सामने दिखाई देते हैं। इसकी विशेषताएं स्वर्गीय पुरातनता, मध्ययुगीन यूरोप और बाइजेंटाइन की कला का अनुमान लगाती हैं। यहाँ के कपड़ों में भी विस्तृत रूप से डिजाइनों को सजाया जाता था। जो कढ़ाई के रूप में शामिल हैं, बीसवीं शताब्दी में ड्यूरा यूरोपोस की खुदाई ने कई नई खोजों को प्रदान किया। सर, शताब्दी में बीसवीं शताब्दी में ड्यूरा यूरोपोस सर स्पेलिंग बोल दीजिए ड्यूरा
यूरोपोस, स्पेलिंग बोलना है? सर बोल दीजिए। DU RA YU RO POS। यूरोपोस की खुदाई ने कई नई खोजों कई नई खोजें प्रदान की। शास्त्रीय पुराविद और उत्खनन के निदेशक और उत्खनन के निदेशक माइकल रोस्तो वत जेफ ने महसूस किया कि पहली शताब्दी ईस्वी ईस्वी तक पलमायरा ड्यूरा यूरोपोश वह ईरान में बौद्ध भारत तक की कला ने समान सिद्धांतों का पालन किया। सर कौन सा टॉपिक लिखवा रहे हैं? पार्थियन कला। तो पार्थियन तो आपने लिखवा दिया था। पार्थियन हाँ डालो थोड़ा सा ये भी। सिद्धांतों का पालन किया उन्होंने। इस कलाकृति को पार्थियन कला कहा। पार्थियन कला का ईरानी व पार्थियन कला का
एक विशेष सुविधा नहीं है। वह पहले की कला में दिखाई देता है। पार्थियन कला किसी विशेष क्षेत्रीय क्षेत्र से जोड़ा जाना चाहिए, इसका कोई सबूत नहीं है। क्योंकि इसका कला क्षेत्र मध्य फरात क्षेत्र के बाहर बनाया गया था। बाद में इसे पलमायरा लाया गया। जिसे मध्य यूफ्रेट्स क्षेत्र के लिए वह सामान्य स्थानीय विकास के रूप में बेहतर माना जाता है। यहाँ की वास्तुकला में प्लास्टर में पैटर्न बहुत लोकप्रिय थे। प्लास्टर के द्वारा बनाई गई आकृतियां देख लो, प्लास्टर के द्वारा बनाई गई कलाकृतियां बहुत लोकप्रिय थीं, जो अब लगभग समाप्त हो गई है। किंतु इनके विकसित हो जाने के बाद इनकी डिजाइनें कालीनों व वस्त्रों में दिखाई देती है। पार्थियन ने अकेमेनिक शैली को जारी रखा।
जिनमें सबसे अच्छे रूप जानवर वा प्राकृतिक रूपों के हैं, जो ग्रीक प्रभाव के कारण विकसित हुए। सासानियन, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सासानियन कला के तहत तैयार की गई थी सासानी साम्राज्य ने इससे पहले फारस के मुस्लिम विजय के आसपास अपने कला कौशल को पूर्ण कर लिया था। सासानियन राजवंश चार सौ वर्षों तक चला। जिसके शासन क्षेत्र ईरान, इराक, आधुनिक ईरान के पूर्व और उत्तर के बहुत से क्षेत्र इसके शासन में विजित हुए। लेवेंट, लेवेंट अनातोलिया और मिस्र तथा अरब के कुछ हिस्से भी इसके नियंत्रण में थे। सासानियन राजवंश ने ईरान और मेसोपोटामिया में एक नए युग की शुरुआत की।
के जो कई मायनों में अचमेनिडो पर बनाए गए फिर भी उस कला की फिर भी उस काल की कला चीन व भूमध्य सागर के प्रभाव पड़े। सासानियन कला को विस्तृत रूप में वास्तुकला व धातु कला में देखा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ पेंटिंग चित्र कुछ चित्रकला का भी व्यापक विकास हुआ। यहाँ की कला पार्थियन कला के सामने फीकी थी। लेकिन सपूर ई की विशाल प्रतिमा विशेष है। इसके साथ ही अन्य राजाओं की अन्य विशाल मूर्तियों का भी साहित्यिक उल्लेख प्राप्त होता है। सासानियन रॉक रिलीफ में कार्य करते थे। और इमारतों में ढाले हुए प्लास्टर और इमारतों में ढाले हुए प्लास्टर से सजावट करते थे जो पार्थियन परंपरा से प्रभावित
सासानियन कला शैली अपनी भव्यता के साथ दरबारी और शिष्ट दृश्यों को भी दर्शाती है। जो बाइजेंटाइन राजपूतों द्वारा उल्लेखित किया गया है। जिसमें सासानियन दरबार के भव्य जीवन जिसमें सासानियन दरबार के भव्य जीवन और प्रदर्शन के दर्शन होते हैं। इन शासकों की कई छवियां शाहपुर की विशाल प्रतिमा में दिखाई देती है। जिसमें शिकार और युद्ध के दृश्यों के लोकप्रिय दर्शन होते हैं। साथ ही हल्के कपड़े पहने नृत्य करने वाली लड़कियों और मनोरंजन कर्ताओं का भी चित्रण किया गया है। जो यूरोप और पूर्वी एशिया की कला में प्रभाव डाल सकते हैं। सासानियन कला के वर्णनात्मक चित्रों में अक्सर तीन चौथाई दृश्य ही दिखाए गए हैं।
जिसे बाद में मुसलमानों ने जिसे बाद में मुसलमानों ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। और आधुनिक समय में की गई खुदाई के माध्यम से महल और निजी घरों की दीवारें प्राप्त हुई हैं, जो हर्मिटेज संग्रहालय या ताशकंद में है। यहां पर लकड़ी पर भी बने हुए कुछ चित्र प्राप्त हुए, जो सासानियन कला के समान है, जो सासानियन कला के समान है, जिसमें सिंहासन पर बैठे राजा जिसमें सिंहासन पर बैठे राजा दावत लड़ाई सुंदर महिलाओं के साथ राजा फारसी और भारतीय महाकाव्यों के साथ देवताओं आदि का मिश्रण चित्रों में दिखाई देता है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने हैं। इसके अतिरिक्त बीसापुर में एक मोजैक पत्थर पर ग्रीको रोमन शैली में चित्रित शिला प्राप्त हुई है। जिस पर कारीगरों ने या चित्रकारों ने सुंदर कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त चांदी के बर्तन, भोजन परोसने के लिए प्लेट
भोजन परोसने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लेट, कटोरे, जिनमें घुड़सवार राजाओं घुड़सवार राजाओं एवं नायकों के चित्र चित्रित हैं। इन पात्रों पर चित्रित शिकार, युद्ध और दावत के दृश्य बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और जो प्राप्त हुए हैं उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। जो संभवतः शराब के लिए वह नाचती हुई लड़कियों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था। और इसे चीन तथा पश्चिम की ओर निर्यात भी किया जाता था। पैराग्राफ चेंज। सासानियन ग्लास ने रोमन ग्लास तकनीक को भी जारी रखा। रोमन ग्लास तकनीक को भी जारी रखा और विकसित किया। ऐसा ज्ञात होता है कि सरल रूपों में यह आबादी की एक विस्तृत आबादी के की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपलब्ध है। और बाइजेंटाइन तथा चीन के लिए एक लोकप्रिय निर्यात था। यहां तक कि जापान की अवधि में कुलीन दफन में भी यह दिखाई दे
देता है। यह एक तकनीकी रूप से सिलिका डाइसोडा लाइम ग्लास उत्पादन है। जो मोटे कांच से जहाजों के सजावट में किया जाता था। पारदर्शिता के पक्ष में यहाँ के लोग सादे रंगों से परहेज करते थे। इनका एक छोटा सा टुकड़ा जहाजों में विस्तृत संशोधन का कार्य करता था। इस प्रकार के सजावट के लिए आमतौर पर मोल्ड के द्वारा ठोस और दृश्य रूपांकन होते थे। जो गहराई से कटे हुए दिखाई देते यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग है। करते थे जो मुस्लिम विजेताओं द्वारा खोए हुए शाही शाही बहारिस्तान काल की गई प्रशंसा से पता चलता है।
सेकेंड। हेलो, जरूरी कामों से, कार्यों से सर बुला रहे हैं, अगली क्लास कल लेते हैं, ठीक है? कल जो भी है चीन और जापान के तुलनात्मक अध्ययन के विषय में हम लोग लिखेंगे। थोड़ी देर रुकिएगा, क्लास कट करते हैं।